गर्भाशय में शिशु जब पल रहा होता है तो उसे सबसे परिचित आवाज अगर किसी की है तो वह है उसकी माँ। आयुर्वेद के अनुसार गर्भ जब 3 महीनों का होता है तभी उसकी सभी इंद्रियां बन जाती है, मतलब उसमें ध्वनि सुनने की शक्ति भी मौजूद होती है। अत्यंत प्रगत साधनों के द्वारा आधुनिक विज्ञान ने भी ये सप्रमाण सिद्ध किया गया है। गर्भस्थ शिशु न केवल सुन सकता है, उसे समझ सकता है और कुछ समय तक याद भी रख सकता है। अभिमन्यु जब सुभद्रा के पेट में था तभी उसने चक्रव्यूह का भेद कैसे किया जाए ये बात सुन ली थी। इतना ही नहीं, उसे युद्ध में इस्तेमाल भी किया था। ये केवल एक पुराणों की बात नहीं बल्कि एक शास्त्रीय सच है। आयुश्री आयुर्वेदीय अस्पताल एवं संशोधन केंद्र में हमारे कई सालों के अनुभव एवं संशोधन के आधार पर हम ये बात दावे से कह सकते हैं कि शिशु अपनी माँ की आवाज़ सुन सकता है और उस पर प्रतिक्रिया भी देता है। गर्भ के इस क्षमता को ध्यान में रखते हुए हमने एक अनोखा तंत्र विकसित किया जिसे हम गर्भ संवाद कहते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि अपने पेट में पल रहे शिशु के साथ दिन रात माँ रहती है, उससे बातचीत करने का इतना अच्छा मौका हम क्यों गंवाएं? 9 महीनों के लंबे सफर में अगर किसी कारणवश कुछ क्षति होने की संभावना पैदा हो जाए तो अपनी माँ के ममता भरे शब्द उसे स्थिर कर सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि माँ अपने बच्चे के साथ हर रोज थोड़ा वक्त निकालकर बातचीत करें। कैसे करेंगे अपने बच्चे के साथ बात, आइए सुनते हैं। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? अब हम खास आपसे बातें करेंगे। वैसे तो हर पल आप हमारे साथ रहते हो, लेकिन अभी सिर्फ आपके साथ वक्त बिताना मैंने तय किया है। जब से मुझे पता चला है कि मैं माँ बनने वाली हूँ तब से मैं इतनी खुश हूँ कि पूछो मत। हरदम मैं ये सोचती रहती हूँ कि कब ये 9 महीने पूरे होंगे और कब मैं आपको अपने सीने से लगाकर आपकी खुशबू महसूस कर सकूँ। लेकिन अब जल्दी मत करना, पूरे 9 महीने हमारे पेट में रहकर अच्छे गोल मटोल बनकर इस दुनिया में आना। आप एकदम सुदृढ़, सुंदर, बुद्धिमान और एक अच्छा इंसान बने इसलिए मैं हर संभव प्रयास करूंगी। हर रोज स्तोत्र सूक्त इसका पठन हम इसलिए तो कर रहे हैं, आप भी सुनते हो ना? आपको पता है गणेश जी, माँ सरस्वती, दुर्गा देवी, गायत्री माता, प्रभु श्री राम, इन देवताओं की ये प्रार्थनाएं हैं। हम दोनों का हर संकट से बचाव हो और हमारा स्वास्थ्य बना रहे इसलिए हम ये सब हर दिन करने वाले हैं। फिर देखना मेरा बच्चा कैसे होशियार और हट्टा कट्टा बनेगा। अच्छा ये बताओ, आज का दिन आपका कैसे बीता बेटे? आप थके तो नहीं? अब थोड़ा सा आराम कर लेना। मैं दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहती हूँ, लेकिन हर समय मेरे मन में आपका ही ख्याल रहता है। आप ही के बारे में सोचती रहती हूँ। कभी कभार थोड़े समय के लिए भी मेरा ध्यान हट जाए तो नाराज मत होना। मेरा प्यारा बच्चा इतना तो समझदार है ही, है ना? अब मुझे ये बताओ, आज हमने जो खाना खाया वो आपको पसंद आया या नहीं? पेट भर खाना खाया ना आपने? आपको जो भी चीजें पसंद हो वो आप मुझे अवश्य बताना, मैं वही आपको खिलाने की कोशिश करूंगी। हाँ, जानती हूँ आप अभी बोल नहीं सकते, पर मैं तो आपकी माँ हूं ना, आप सिर्फ सोच भी लोगे तो भी सब समझ जाऊंगी। हमारे गर्भ संस्कार की क्लास में भी हमें यही सिखाया गया है। अच्छा, जैसे जैसे वक्त मिलेगा, फुर्सत होगी,
तब मैं आपको अलग अलग कहानियां भी सुनाऊंगी, परी रानी की, बिल्ली चूहे की और रामकृष्ण भगवान की भी, और ढेरों सारी कहानियां सुनाऊंगी। फिर हम गाना सुनेंगे और गाएंगे भी, आपको बहुत मजा आएगा। आपको पता है चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट्स ऐसी मीठी मीठी चीजें बच्चों की पसंदीदा चीजें होती है, और चिड़िया, तोता, बिल्ली, मोर ऐसे प्यारे प्यारे दोस्त भी होते हैं। इन सब के बहुत सारे गाने, कविताएं भी मैं आपको सुनाऊंगी, आपको बहुत मजा आएगा। अरे बाप रे, कितने जोर जोर से पैर हिला रहे हो। अच्छा, आपकी माँ ने आपसे ढेर सारी बातें की, इसलिए खुश हो गए, है ना? आपके पापा मुझसे रोज पूछते हैं कि जब आप अंदर कूदते हो, हाथ पैर हिलाते हो, तब मुझे कैसा लगता है। अब आप ही बताओ, मैं उनसे क्या कहूँ? वो तो सिर्फ आपके और मेरे बीच का राज है, है ना? पापा भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको लाड़ प्यार करना चाहते हैं, और कहते हैं जब इस बाहर की दुनिया में आप आओगे तो वो आपको अपनी गोदी में लेकर आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। और पता है, परिवार के बाकी सदस्य भी आपसे खेलने के लिए बहुत बेताब हैं। अब बातें बहुत हो चुकी, हम आपसे कल फिर बात करेंगे, लेकिन अभी आपका सोने का वक्त हो गया है। चलो मेरे लाडले, अब जल्दी से सो जाओ। चलो सो जाओ। धीरे से आ जा रही अखियन में निंदिया, आ जा धीरे से आ जा। चुपके से नैनन की बगियन में निंदिया आ जा रही